भाइयों और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था।